अगर आपको YouTube पर कोई अच्छी फिल्म की तलाश है तो ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा उस मूवी को ढूंढने में। आज के इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 10 मूवीज को ऐड किए हैं, जिनमें से 9 मूवीज आप YouTube पर फ्रीली देख पाएंगे। इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज एक्शन, हॉरर, एडवेंचर और मैजिकल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज भी है जो कि शायद आपने अभी तक देखा नहीं होगा। और इन सभी मूवीज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और उसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन मूवीज के डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी मूवीज है जो कि यूट्यूब से कभी डिलीट हो सकती है। सो बिना इसी देरी के चले दोस्तों, इस लिस्ट को हम स्टार्टअप करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट की पहले मूवी की, यानी कि नंबर 10 पर आती है अननोन, जो कि 2011 की बनी थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है, जो कि आई थी 6.8 की रेटिंग के साथ। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक आदमी से, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक शहर में आता है, लेकिन उस आदमी की अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और करीब 4 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से रिहा होता है। लेकिन जैसे वो आदमी अपने होटल और अपनी वाइफ के पास जाता है, तो उसकी वाइफ और होटल वाले उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वो आदमी खुद को साबित करने के लिए कि वही आदमी है, वो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है और उसी आदमी के जगह पे किसी दूसरे आदमी की फोटो लगा हुआ है जो कि मिसिंग है। तो ऐसे में अब कहानी में वो आदमी क्या कुछ चीजें करता है, वो जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। इट्स अ कमाल की मूवी है, तो इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 9 फिल्म के, जिसका नाम है आई फ्रैंकनस्टाइन, जो कि 2014 की बनी एक एक्शन हॉरर फिल्म है, जो कि आई थी 5.1 की रेटिंग के साथ। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो आपको बहुत टाइम पीछे ले जाएगी। कहानी एक आदमी की है जो कि एक मुर्दा हुआ इंसान को जीवित कर दिया था, जिसे सभी लोग फ्रैंकनस्टाइन के नाम से जानते थे। सभी लोग, वो आदमी बहुत सारे शैतानों को मारता है जो कि उसके पीछे लगा हुआ था। ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मूवी के अंदर आपको बहुत सारे डीमंस, मैजिकल चीजें और भी बहुत तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो इसे आप यूट्यूब पर फ्रीली देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 8 फिल्म की, जिसका नाम है इनसाइडर्स, जो कि 2010 की बनी एक हॉरर एंड थ्रिलर फिल्म है, जो कि आई थी 6.8 की रेटिंग के साथ। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है जोश और रिनाई से, जो कि एक नए घर पर शिफ्ट होते हैं उनके बेटे के साथ, ताकि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को एहसास होने लगता है कि यार उस घर में उनके अलावा कुछ तो और चीजें हैं जो कि उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन इसे बीच जोश और रैन का बेटा अचानक से कोमा में चला जाता है। अब ऐसे में उनके घर पर असल में क्या चीजें चल रहा है, वो जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। ये काफी ज्यादा कमाल की हॉरर मूवी है। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 7 फिल्म के, जिसका नाम है टेक मी होम टुनाइट, जो कि 2011 की बनी एक रोमांस एंड कॉमेडी फिल्म है, जो कि आई थी 6.3 की रेटिंग के साथ। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है मैट से, जो कि एक MIT ग्रेजुएट लड़का है। वो काफी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन कहीं पर उसे नौकरी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसी दौरान मैट की लाइफ में सब कुछ बदल जाता है, जब एक पार्टी के अंदर वो अपनी हाई स्कूल की क्रश को देखता है। और मैट एक्चुअली उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था अपनी हाई स्कूल के अंदर, लेकिन वो उससे कभी भी बता नहीं पा रहा था कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। अब एक्चुअली इस पार्टी के अंदर होता क्या है, वो जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। और मुझे इस तरह की मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 6 की जो मूवी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। हो सकता है कि आपने इस तरह की मूवीज आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो नंबर 6 पर रैंक करता है विक्टर फ्रैंकनस्टाइन। 2015 को ये मूवी रिलीज हुई थी, जो कि एक हॉरर एंड साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है। लेकिन इस मूवी का IMDb की तरफ से 5.9 की रेटिंग मिल चुका है। इस फिल्म की जो स्टोरी शुरू होती है वो विक्टर फ्रैंकनस्टाइन से, जो अपने एक असिस्टेंट के साथ मिलकर एक चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन वो अपने इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर कामयाब हो जाता है, लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ी की वजह से उस चिंपैंजी को वो मारना पड़ा। लेकिन इसी दौरान कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विक्टर फ्रैंकनस्टाइन को एक रईस जादे से बहुत सारी फंडिंग मिलता है, यानी कि पैसे मिलता है, ताकि वो एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर को बना सके। अब आगे यानी क्या होती है, वो जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं, जिसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हमारे फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आने वाले हैं उन सभी को मिस ना कर सको। बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 5 मूवी की तरफ, जिसका नाम है एक्समैन। ये फिल्म आई थी 2000 को और मूवी को IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिल चुका था। तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगी कुछ ऐसे इंसान है जो कि US से, यानी कि अमेरिका से बहुत सारे म्यूटेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान कहानी हमें मैग्नेटो की दिखाई जाती है, जो कि पूरी इंसानियत को ही खत्म करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से उसे एक म्यूटेंट लड़की की जरूरत है। लेकिन इसी दौरान प्रोफेसर एक्स अपनी टीम के साथ मिलकर मैग्नेटो और उसकी टीम को रोकने की कोशिश करता है। आगे की स्टोरी क्या कुछ होता है, वो जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है ड्रैगन, जो कि 2011 की बनी एक एक्शन एंड ड्रामा फिल्म है। 7/10 की रेटिंग के साथ ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर कहानी आपको एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट की दिखाई जाती है, जिसका पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा खतरनाक था।
लेकिन इसी बीच वो अपने सभी कामों को भूलकर एक नॉर्मल लाइफ बिताने की कोशिश करता है। लेकिन उसी आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसे हालात बन चुके थे जिसकी वजह से उसके अंदर जो शैतान है वो उसे बाहर निकलना पड़ता है ताकि वो कुछ लोगों को बचा सके। अब आगे कहानी क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारी कमाल के एक्शन फाइट सीक्वेंस सीन्स देखने को मिलेगी। तो नंबर 3 पर मैंने रखी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड स्पाइडरमैन नो वे होम। ये दोनों ही मूवीज आप यूट्यूब पर फ्रीली देख सकते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज पर। वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको दोनों मूवी का लिंक मिल जाएगी, मतलब कि मिल जाएगा। नंबर 2 पर मैंने एक सॉलिड मूवी रखी है जिसका नाम है राइडर्स ऑफ जस्टिस, जो कि 2020 की बनी एक एक्शन एंड थ्रिलर बेस्ड मूवी है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.5 की रेटिंग मिल चुका है। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसकी वाइफ एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी आदमी के पास एक दूसरा आदमी आता है जो कि उसी ट्रेन के अंदर मौजूद था और उस आदमी को ये पता लगता है कि वो ट्रेन एक्सीडेंट असल में एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सोची समझी गई मर्डर है। और अब वो आदमी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर निकल पड़ते हैं उस किलर को ढूंढने के लिए। मूवी काफी ज्यादा अमेजिंग है जिसके अंदर आपको बहुत सारी एक्शन एंड थ्रिलर चीजें देखने को मिलेगी। तो फाइनल आ चुके हम नंबर 1 पर और नंबर 1 पर रैंक करता है एक कमाल की वेब सीरीज जिसका नाम है स्वीट टूथ। 2021 के एक ड्रामा एंड एडवेंचर फिल्म है। अरे यार बार बार फिल्म आ जाता है, एक वेब सीरीज है जिसके IMDb रेटिंग है 7.8/10। इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि वायरस की वजह से बहुत सारे इंसान इफेक्ट में आ चुके थे और उसी इफेक्ट की वजह से उन सभी इंसान के जो बच्चे हैं वो हाइब्रिड जन्म लेते हैं। अब इसी दौरान कहानी में एक लड़की की देखने को मिलते हैं जो कि आधा इंसान और आधा डियर होता है। वो एक कमाल के एडवेंचर निकल पड़ता है, क्यों और किस लिए वो जानने के लिए आप इस सीरीज को जरूर देख सकते हैं और इस सीरीज का डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यार आज की लिस्ट यहाँ पर खत्म होती है। आई होप कि आपको आपकी पसंद की मूवी जरूर मिल चुका होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम होती है ऐड होने में तो इंस्टाग्राम पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर एंड गुड बाय।